110 मकान बन के सर जी खाली हैं कुछ दिन से, मात्रम 4 लोगों ने कब्जा कर रखा है सर जी, उस पर कोई मकान बन के तैयार है जो कि समाज कल्याण के अंडर में है, वो देना नहीं चाह रहे हैं इन लोग। 1100 में 500 स्वस्थ लोग वहाँ कब्जा की करके बैठे हुए हैं, जबकि 15 दिन के अंदर एक महीने में अलाटमेंट हो जाएगी, एक महीना के आज 4-5 महीना साल 7 साल हो गया हो रहा है, लेकिन सरकार नहीं देख रहा हम लोग का तरफ, हम उनके लिए मर रहे हैं, वो अपना काम चला रहा है गरीब। ना घर है ना मकान है सर जी, धक्के खा रहे हैं। जो भी एमपी एमएलए आती है वादा करती है लेकिन काम कुछ भी नहीं करती है, इसीलिए हम लोग सर जी परेशान होकर के और तब हम लोग आकर सर जी धरना दिए हैं। तो आपके वहाँ के एमएलए कौन है और एमपी कौन है, गए उनके पास कभी? हाँ जी, हमारे एमपीओ हैं गौतम पाल है, हमारे यहाँ के विधायक एमएलए एमएलए हैं जी गौतम पाल जी, उनके पास भी हम जाते हैं सर जी, वो भी बोलते हैं कि हम करेंगे लेकिन बस फिर ठप डाल देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं सर जी। प्रधानमंत्री आवास योजना कहा जा रहा है कि इतने लोगों को मकान दे दिया, फिर आप लोगों को क्यों नहीं मिला जबकि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? सर जी प्रधानमंत्री आवास योजना तो बात की बात है सर जी, 110 मकान बन के सर जी खाली हैं कुछ दिन से, मात्रम 4 लोगों ने कब्जा कर रखा है सर जी, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। 100 मकान जो है वो 10 साल से बन करके तैयार है इन लोग को देने के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट का काम है ये देना, लेकिन आज तक इन लोग को नहीं दिया है। इन लोग सारे बेघर हैं, जितने भी देख रहे हैं ये सारे बेघर हैं, फुटपाथ पे जिनकी बिता रहे हैं, कोई किराए पे रह रहे हैं, भीख मांग मांग के रह रहे हैं। तो मतलब जो ये आवास योजना का खुला हुआ है कि मिल क्यों रहा है इनको? फिर आवास योजना अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ एक कम्प्लेक्स बना हुआ है, लेप्रोसी कम्प्लेक्स बना हुआ है, वहाँ 30 कॉलोनियाँ हैं, वहाँ 1100 मकान हैं, लेकिन 100 मकान बन के तैयार है जो कि समाज कल्याण के अंडर में है, वो देना नहीं चाह रहे हैं इन लोगों। समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम है, राजेंद्र पाल जी को लिखते लिखते लेटर हम लोग सब थक गए हैं, परेशान हो गए एकदम, देते देते लेटर उनको, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हम लोग को किया जा रहा है यहाँ। तो आप भी वहीं से हैं, आपको भी मकान नहीं चाहिए? हाँ मकान चाहिए हमको। मकान मतलब कब से आप मांग कर रहे हैं? अरे हम तो यहाँ तो 10-11-12 साल 15 साल से हम लोग ये चक्कर में, घर बिना किराए में रहते हैं, हम लोग कोई सहारा नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स है। मतलब अब तक क्या क्या आपको वादे मिले हैं कि मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्या क्या कहते हैं? मनोज तिवारी भी बोलते थे हाँ असो अब आपकी काम जारी है, आपका काम हो जाएगा, ये 15 दिन के अंदर एक महीना में अलाटमेंट हो जाएगी, एक महीना के आज 4-5 महीना साल 7 साल हो गया हो रहा है अलाटमेंट। मिल रहे हैं मकान के लिए आए हम। किस किस के पास गए आप पर्सनली? सबके पास गए सर, नेता जी है, मनोज तिवारी है, और है हमारे क्षेत्र के, उसके पास भी गए हैं, हो जाएंगे। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? हम अभी सर इधर उधर बेघर पैटरी में सो रहे हैं जी, उधर उधर सब रह रहे हैं, और क्या करेंगे, ट्री पे भटक रहे हैं। सरकार हमारा अंधा है, नहीं देख रहा है कि कहाँ भटक रहा है, कौन मर रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, अंधा है सरकार हमारा, और कोई को नहीं साथ दे रहा है, किसको साथ देगा, ये बात सरकार को सोचना चाहिए, हम लोग को देखना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं देख रहा है हम लोग का तरफ, हम उनके लिए मर रहे हैं, वो अपना काम चला रहा है, गरीब का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वोट किसको दे रहे हैं आप? वोट किसको देते हैं आप? वोट उसी को देते हैं किसको? मोदी को।